जब हम नॉलेज की बात करते हैं और उसके इंसानी ज़िंदगी में इस्तेमाल की बात करते हैं तो नॉलेज के स्ट्रक्चर के एतबार से और उसके इस्तेमाल के एतबार से उसकी डिफ़रेंट टाइप्स हैं तो आइए देखते हैं इस मॉड्यूल में कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं नॉलेज बीन क्लासीफाइड एंड करेक्टराइज इन सेवरल डिफरेंट वेज़ इसका मतलब ये है कि नॉलेज की जो टाइप्स बनाई गई हैं या उसकी जो कैटेगरीज बनाई गई हैं वो डिफ़रेंट एंगल से और डिफरेंट परस्पेक्टिव से बनाई गई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नॉलेज हैज़ बिन करेक्टराइज एज इंडिविजुअल सोशल कॉजल कंडीशनल रिलेशनल एंड प्रेगमेटिक एंड ऑल्सो एज एम बॉडीड एंड कोडेड एंड प्रोसीजरल तो जब हम नॉलेज की दो मेजर टाइप्स की बात करते हैं तो वो हैं डलटिव uh, और उसके मुकाबले में है प्रोसीजरल नॉलेज तो डिक्लेरेटिव नॉलेज इसको हम फैक्ट्स भी कह सकते हैं इस इट इज़ आल्सो कॉल्ड सब्सटेंटिव नॉलेज इट फोकसेस ऑन बिलीफ अबाउट रिलेशनशिप्स अमांग वेरिएबल्स इस कायनात के अंदर जितने भी फिनोमेना हैं उनके दरम्यान जो रिलेशनशिप है उसको हम डिक्लेरेटिव uh, नॉलेज कह सकते हैं इसकी मिसाल है अ ग्रेटर प्राइस चार्ज फॉर आ प्रोडक्ट वुड कॉज सम इट्स नंबर ऑफ सेल्स कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएंगे तो हमें यह पहले से अंदाज़ा है कि उसकी सेल में फिर कमी आएगी तो इस तरह से दो वेरिएबल्स का इसमें रिलेशनशिप बयान किया गया है इट कैन बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशंस एक्सपेक्टेड कोरेशंस और फार्मूलाज रिलेटिंग कंसेप्ट रिप्रेजेंटेड एज वेरिएबल्स इसमें वेरिएबल्स को मेंशन करेंगे कौन कौन से हैं और उनके दरम्यान हम रिलेशनशिप्स को मेंशन करेंगे इस तरह से ये डिकलेटिव नॉलेज बन जाएगा दूसरी किस्म का जो नॉलेज है वो है प्रोसीजरल नॉलेज इसमें क्या होता है कि आप किसी काम को करते कैसे हैं फॉर एग्जाम्पल हाउ टू राइट अउ टू राइट अ बाइसिकल इट फोक् ऑन बिलीफ रिलेटिंग सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शंस टू हैव डिजाइड आउटकम्स इसमें एग्जांपल यह दी जा सकती है द सेट ऑफ जस्टिफाइड बिलीव अबाउट द प्रोसीजर दैट शुड बी फॉलोड इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डिसाइडिंग ऑन होम टू अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पर्टिकुलर एरिया फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट कि किसी ख़ास काम को करने के लिए किसी गवर्नमेंट सेक्टर में उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स में स्टेप्स हैं इसको हम प्रोसीजरल नॉलेज की एक एग्जाम्पल करार दे सकते हैं इसी तरह अगर हम देखें एक दूसरी क्लासिफिकेशन उसमें जनरल नॉलेज है और फिर स्पेसिफ़िक नॉलेज है तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं इट इज़ प्रोजेस्ड बाय अ वाइडली लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली अक्रॉस इंडिविजुअल्स आम लोग जो शायद कम पढ़े लिखे भी हों उनके पास जो नॉलेज होता है जो इजीली वो एक्वायर भी कर लेते हैं और इजीली आगे ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं और इजीली अपने जहनों में रिटेन भी कर लेते हैं उसको हम जनरल नॉलेज कहेंगे फॉर एग्जांपल नॉलेज अबाउट रूल्स ऑफ क्रिकेट स्पेशली अमंग द स्पेक्टेटर्स एट अ क्रिकेट ग्राउंड किसी खेल के मैदान में उसमें जो तमाशाई बैठे हैं वो जो नो हाउ रखते हैं उस क्रिकेट के खेल के बारे में या किसी दूसरे खेल के बारे में उसे हम एक जनरल नॉलेज की मिसाल कह सकते हैं अगर हम दूसरी बात देखें तो दूसरा है स्पेसिफिक नॉलेज तो स्पेसिफिक नॉलेज इज आल्सो कॉल्ड ईडियोसिंक्रेटिक नॉलेज इट इज़ पोजेस्ड बाय अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इज़ एक्सपेंसिव टू ट्रांसफर तो जो एक्सपर्ट्स का नॉलेज होता है ऐसे इंडिविजुअल जो तादाद में कम होते हैं इस नॉलेज को हासिल करना इस नॉलेज को रिटेन करना इस नॉलेज को शेयर करना आसान नहीं होता ये मुश्किल भी होता है और ये महंगा भी होता है फॉर एग्ज़ाम्पल द नॉलेज ऑफ अ प्रोफेशनल क्रिकेट कोच तो क्रिकेट के कोच का जो नॉलेज है जिसने टीम को तैयार करना होता है खेलने के लिए उसका नॉलेज खिलाड़ियों से भी ज़्यादा होता है और आम तमाशाइयों से तो कहीं ज़्यादा होता है तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है एक स्पेसिफिक नॉलेज की तो स्पेसिफिक नॉलेज की फिर फर्दर थ्री टाइप्स हैं आइए देखते हैं तो सबसे पहली है टेक्निकली स्पेसिफिक नॉलेज ये क्या है इट इज़ डीप नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक एरिया इट इंक्लूड्स नॉलेज अबाउट द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट मे बी यूज टू एड्रेस प्रॉब्लम्स इन दैट एरिया कि जो टूल्स जो टेक्निक किसी स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल होते हैं वो इसमें शामिल हैं दिस काइंड नॉलेज इज़ ऑफन एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ सम फॉर्मल ट्रेनिंग एंड इज़ देन ऑगमेंटेड थ्रू एक्सपीरियंस इन द फील्ड इसके लिए कोई प्री सर्विस ट्रेनिंग भी होगी और उसके बाद फिर एक्सपीरियंस के ज़रिए भी इसे मज़ीद जो है वो जारी रखा जाएगा या इसको जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा इसकी एग्जाम्पल में क्या है कि साइंटिफिक नॉलेज प्रोजेस्ड बाय अ फिजिसिस्ट एंड द नॉलेज अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोजेस्ड बाय अ कंप्यूटर इंजीनियर तो जितने भी प्रोफेशंस हैं उनका जो प्रोफेशनल नॉलेज होता है वो चाहे कोई साइंसदान हो चाहे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसिस का कोई एक्सपर्ट हो वो अपने फील्ड का जो नॉलेज रखता है उसे हम टेक्निकली स्पेसिफिक नॉलेज कह सकते हैं इसकी दूसरी जो टाइप है स्पेसिफिक नॉलेज की वो है कॉन्टेक्सट स्पेसिफिक नॉलेज इट रिफर्स टू द नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस इन विच वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड। इट परटेन्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल सब यूनिट विद इन विच टास्क आर परफॉर्म्ड कि किसी फैक्ट्री में किसी इंडस्ट्री में किसी इदारे में जो एक यूनिट के अंदर काम हो रहा है किसी ख़ास टाइम और स्पेस के तहत या उसके किसी सब यूनिट में हो रहा है तो उसे हम जो है वो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक नॉलेज बोलेंगे इसकी एग्जांपल ये है कि अ डिटेल्ड नॉलेज अ डिज़ाइन इंजीनियर प्रोजेसिस अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ द पर्टिकुलर डिज़ाइन ग्रुप इन विच ही इज़ वर्किंग तो यहाँ बात फिर आ गई कि किसी ख़ास इदारे के अंदर काम करना उस इदारे का अपना नॉलेज उस एम्प्लॉ की एक्सपर्टिस में शामिल हो जाएगा तो इसे हम कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज बोलेंगे स्पेसिफिक uh, नॉलेज की जो तीसरी किस्म है वो है कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नॉलेज अब पिछले जो दो उन दोनों के इसमें जमा किया गया है इट इज़ स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ बोथ द कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्निकल आस्पेक्ट्स इट साममलटेनियसली इन्वाल्वस बोथ रिच साइंटिफिक नॉलेज एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट कि जिसमें एक प्रोफेशनल के पास अपने प्रोफेशन का नॉलेज भी होगा विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट और फिर वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में रह के एक ख़ास इदारे या इंडस्ट्री में रह के जो नॉलेज दिखेगा उन दोनों के मिलाप से ये तीसरी किस्म बनेगी इसकी एग्जाम्पल क्या है कि नॉलेज ऑफ हाउ टू डिसाइड ऑन द स्टॉक और शेयर्स टू एक्वायर विद इन एन इंडस्ट्री इज कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नॉलेज इट ब्लैंड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज डाइनमिक्स एज वेल एज द टूल्स यूज टू एनालाइज द स्टॉक परफॉर्मेंस ये स्टॉक मार्केट से एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई किसी इंडस्ट्री ने कोई स्टॉक्स खरीदने हैं या बेचने हैं तो उसका फैसला करने के लिए उसके स्टाफ के पास या एम्प्लॉज़ के पास कॉन्टेक्स्ट और इसके साथ साथ टेक्निकल नॉलेज जो है वो दोनों चाहिए होंगे तो ये स्पेसिफिक नॉलेज की तीसरी किस्म है